गुड मॉर्निंग, मैं सेबिना सेबेस्टियन, लेक्चरर आर्टिस्ट डिजाइन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर से। आप पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हैंड स्क्रीन को मशीन के द्वारा कैसे किया जाता है। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है फ्लैट बैक स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन। जब स्क्रीन प्रिंटिंग का मार्केट के अंदर काफी डिमांड बढ़ गई और कंज्यूमर्स बहुत बढ़ गए, तो इसके प्रोडक्शन को भी इंक्रीज किया गया, जो कि हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग में पॉसिबल नहीं था। इस कमी को दूर करने के लिए मशीन हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग लाई गई, जिसके अंदर सबसे पहले फ्लैट बेड प्रिंटिंग मशीन यूज की गई। जब फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन यूज की गई, तो फ्लैट बेड प्रिंटिंग टेबल इस तरह से, और इसके ऊपर कई नंबर में स्क्रीन्स रखी होती थी, जो कि एक साथ 14 से 14 कलर तक अप्लाई कर सकती थी। मशीन फ्लैट बेड मशीन प्रिंटिंग मशीन को समझने के लिए हमें निम्न डायग्राम से समझना पड़ेगा। इसके अंदर एक क्लॉथ रोलर होता है, जिसपे की जो फैब्रिक प्रिंट किया जाना है उसको लपेटा जाता है, और एक फ्लैट बेड टेबल होती है जिसपे की एक एंडलेस कन्वेयर होता है, जो कि रेल्स लगे होते हैं, जो कि फैब्रिक को टेबल के ऊपर कन्वेयर की मदद से लाया जाता है। जब प्रिंटिंग मशीन स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट स्क्रीन अपवर्ड मोशन में होती है, और जैसे ही प्रिंटिंग मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है और फैब्रिक क्लॉथ रोलर पे से उतरकर ग्राइड रोल की सहायता से कन्वेयर बेल्ट के थ्रू टेबल के ऊपर आता है, तो सारी स्क्रीन्स एक मैकेनिज्म के द्वारा फैब्रिक के ऊपर आ जाती हैं, और जैसे ही स्क्रीन फैब्रिक के ऊपर आती है, तो इनको क्लैंप की सहायता से टेबल प्रिंट किए जाने वाले क्रॉप एंड स्क्रीन को क्लैंप की सहायता से फिक्स कर दिया जाता है। जैसे ही स्क्रीन अब क्लॉक के ऊपर फिक्स हो गई है, तो फ्लेक्सिबल हॉस पाइप के माध्यम से या फिर शैलो ट्रे के माध्यम से कलर को स्क्रीन के ऊपर डाला जाता है। जैसे ही कलर स्क्रीन के ऊपर आता है, तो जो स्क्वीजेस लगी हुई हैं, वह अपना कार्य करती हैं और कलर पेस्ट को स्क्रीन के एक साइड से दूसरे साइड पर अप्लाई करती हैं। जैसे ही यह प्रोसेस पूरा हो जाता है, क्लैंप्स वापस स्क्रीन फ्रेम को रिलीज कर देते हैं, स्क्रीन फ्रेम फिर ऊपर उठ जाते हैं और कपड़ा आगे की तरफ मूव होकर ड्राइंग चैम्बर में चला जाता है। ड्राइंग चैम्बर में कपड़ा जाने के बाद वहां से सूख के वापस चला जाता है, और जो कन्वेयर बेल्ट लगा है स्क्रीन प्रिंटिंग टेबल के ऊपर, वह एंडलेस होता है, जो कि वहां से होकर वापस वॉश एंड क्लीन होकर वापस कपड़े को लेने के लिए प्रेजेंट हो जाता है। इसमें कलर एप्लीकेशन के दो तरीके हैं, या तो फ्लेक्सिबल हॉस पाइप के द्वारा कलर अप्लाई किया जाता है, या फिर कलर ट्रे जो कि स्क्रीन के साइड में लगी होती है उनके द्वारा कलर स्क्रीन के ऊपर डाला जाता है। अगर कलर ट्रे स्क्रीन के साइड में अटैच है, तो ये ड्रिप मैकेनिज्म के रूप में कार्य करती है। जैसे कि एक ट्रे कलर डालती है, वो अपने आप अपनी जगह सेट के उसकी जगह दूसरी ट्रे आ जाती है फ्रेश कलर को लेकर। इसी तरह से फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग में दो तरह की स्क्वीजेस काम में ली जाती है। फर्स्ट है रबर स्क्वीज,
स्क्वीजी एंड सेकेंड है मैग्नेटिक रॉड. फर्स्ट जो स्क्वीजी है रबर स्क्वीजी, इसके अंदर हार्ड रबर के ब्लेड यूज किए जाते हैं जिससे कि कलर स्क्रीन के एक साइड से दूसरे साइड कलर अप्लाई करता है. लेकिन रबर स्क्वीजी की एक डिसएडवांटेज यह है कि बार बार कलर को अप्लाई करने से रबर हार्ड हो जाता है और उसके एजेस उतने शार्प नहीं रहते और उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, जिससे कि जब हम कलर को स्क्रीन के ऊपर अप्लाई करते हैं और जो प्रिंट फैब्रिक के ऊपर आता है वो इवन नहीं होता, बीच बीच में से टूटा हुआ प्रिंट होता है. तो इस स्क्वीजी सिस्टम की डिसएडवांटेज के कारण दूसरा स्क्वीजी सिस्टम यूज किया गया जिसे कि हम मैग्नेटिक रॉड के नाम से जानते हैं. मैग्नेटिक रॉड का मतलब है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा एक्टिवेट होता है और एक स्टील का रोलर होता है जो कि स्क्रीन के ऊपर लूजली प्लेस होता है. इसको एक्टिवेट करने के लिए केबल के नीचे मैग्नेटिक सिस्टम लगा होता है. जैसे कि कलर को स्क्रीन के ऊपर डाला जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट होता है तो ये मैग्नेटिक रोल स्क्रीन के एक साइड से दूसरे साइड कलर को अप्लाई करता है और वापस कलर को अपनी जगह पे लेकर आता है. इस सिस्टम का एडवांटेज यह है कि एक तो बार बार इसे हमें रिप्लेस नहीं करना पड़ता, ये लॉन्ग लाइफ रहता है और कलर के प्रेशर को भी हम इसमें कलर के प्रेशर को भी हम अपने अनुसार रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हम रख सकते हैं. अगर प्रिंट मोटा है तो स्टील रॉड भी मोटे डायमीटर का बड़े डायमीटर का होगा और अगर हम बारीक डिजाइन और डेलिकेट कपड़े के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं तो स्टील रॉड छोटे डायमीटर का होगा और प्रेशर भी हम उसी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं. इस तरह से जब स्क्रीन प्रिंटिंग पूरी हो जाती है फ्लैटबेड के द्वारा मशीन के द्वारा तो लास्ट में फैब्रिक ड्राइंग सेक्शन में जाकर ड्राई होके तैयार हो जाता है. थैंक यू.